ये एक ड्रम है हाफ कटेड, और यहाँ पे इस तरह की दरारें हो चुकी हैं प्रेशर की वजह से, और इनका तो ये छोटी छोटी दरारों का उनका ज़्यादा टेंशन नहीं है पर इसका है। तो इसे मैं एक तार के हेल्प से सीने वाला हूँ और शायद ये कुछ काम के लायक बचे। और अगर साइज़ की कंपैरिजन किए जाए तो ये ड्रम मुझे 70 रुपये का पड़ा है, 70। और ये जो गमला है प्लास्टिक का, ये मुझे 230 रुपये का पड़ा है। तो आप देख सकते हैं डिफरेंस कि क्यों ड्रम्स यूज़ करने चाहिए। आप देख सकते हैं ये ड्रम, और इसके अंदर काफी सारे ड्रेनेज होल्स भी मैंने बना दिए हैं। और ये जो कट्स लगे थे जिसको मैंने अभी तार से सिया है, वो भी एक ड्रेनेज का ही काम करेंगे। और ये ड्रेनेज होल बंद ना हो इसके लिए इसके ऊपर मैं जूट की बोरियां डाल रहा हूँ, क्योंकि जब मिट्टी धीरे धीरे टाइम के साथ नीचे आने लगेगी तब इस होल को वो बंद कर देगी, क्योंकि अभी बारिश का मौसम शुरू होने वाला है तब बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो एक बॉटम सरफेस पे ड्रेनेज के लिए अच्छी जगह बन चुकी है। और ये जो कैंडल है, मैंने पिछली बार भी बताया था कि ये कैंडल किस तरह से मुझे हेल्प मिला आती है। तो अब इसके आसपास में बहुत सारी पत्तियां डालूंगा। तो इसमें अब पत्तियां डालना बाकी हैं, और मैंने एक दूसरे ड्रम में बहुत सारी पत्तियां स्टोर करके रखी थी। तो ये सारी पत्तियां इस ड्रम में जो हैं, जितनी हो सके, जितनी रिक्वायर्ड हो, वो सारी इस कंटेनर में डाल दूंगा। तो ये काफ़ी सारी पत्तियां हैं जो अब मैं यहाँ पे उड़ेल दूंगा।
तो ये मेरे पास एक तार था बड़ा गेज वाला, ये भी इसमें डाल रहा हूँ और आयरन की डिफिशियंसी ना हो। ये कुछ मेरे पास नारियल की रस्सी थी वो भी, और उसके बाद इसके ऊपर मिट्टी। इस मिट्टी में मैंने राइस हस्क ऐड किया है पहले ही, और इस मिट्टी को इस तरह से आप देख सकते हैं, इस मिट्टी की वजह से इन पत्तियों पे कितना ज़्यादा लोड आ रहा है और ये नीचे जा रही है। और इस पे दो तीन घमेल और डालूँगा। ये दूसरा घमेल, ये लास्ट घमेल मैंने उड़ेल दिया। इसे अच्छे से फैला रहा हूं। बचा कुचा जो भी थोड़ा बहुत प्लास्टिक के जो टुकड़े हैं वो निकाल रहा हूँ। और ये वक्त के साथ साथ जितना भी नीचे पत्तियाँ हैं वो धीरे धीरे दब जाएंगी, और ये आपने देखा ही है नीचे से ऊपर तक, अगर यहाँ कोई प्लांट है तो उसके रूट नीचे तक जाएंगे, तो उनको इस होल के वजह से बोलिए या इस कैंडल के आजू बाजू के एरिया से या कैंडल के इस पोरस मतलब प्रॉपर्टी होने की वजह से जो भी ऑक्सीजन या हवा है वो नीचे रूट तक जाएंगी और इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे रूट्स को, प्लांट के रूट को। तो ये है मेरा टेरेस गार्डनिंग का प्रोजेक्ट। होप सो इसमें जो भी प्लांट में लगाओ वो काफ़ी बेहतर परफॉर्म करें, बेहतर ग्रोथ हो उसकी, और मैं तो हुई उनकी अच्छे से केयर करने के लिए। तो आप अब देखते हैं कि मैंने इतनी मिट्टी डाली है, इतनी पत्तियाँ डाली हैं, उसके नीचे वो बोरियाँ भी रखी हैं। अब देखते हैं कि इसका प्रॉपर ड्रेनेज किस तरह से काम करता है, कितनी बकेट पानी, ये जब मिट्टी सूखी रहती है तो कितना बकेट पानी ये अपने अंदर रखता है और एब्जॉर्ब करके, और कितना पानी ये ड्रेन करेगा। और इस वजह से जो पत्तियां हैं वो टाइम इंटरवल के साथ नरम होती जाएंगी। इस मिट्टी में मैंने पहले ही खाद काफ़ी सारा डाल के रखा था,